तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम राधे है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों फाउंडेशन चैप्टर के रिलेटेड में एक नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर में देखा कि फाउंडेशन के टाइप्स में जो हमारे यहाँ पर अंडर इम्पाइल आता है वो किस तरह से वर्क किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसका किस तरह से प्रोसीजर होता है, क्या साइज रहता है, क्या शेप रहता है, कौन सी सॉइल के लिए इसका यूज करते हैं, मैंने ये बताने का ट्राई किया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो जाकर के देख सकते हो, उसका लिंक यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो आगे का हमारा टॉपिक है उसको समझने से पहले हम यहाँ पर पहले समझते हैं कि ये जो ब्रिजेस वगैरह है, अब जिस फाउंडेशन के बारे में बात करना है वो फाउंडेशन पानी के अंदर में किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। जैसे कि ये ब्रिज वगैरह आप देख रहे हो, जो भी यहाँ पर ये हमारा है बांद्रा वर्ली सीलिंग है, यानी कि बांद्रा से वर्ली को कनेक्ट करता हुआ सीलिंग, बेसिकली ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है पानी के अंदर में, वो क्वेश्चन निकल करके आता है कि इसकी फाउंडेशन वगैरह इतनी पानी के अंदर में किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया होगा, मटेरियल कैसे गया होगा, कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया होगा, कैसे सेट हुआ होगा मटेरियल, कैसे रेडी हुआ होगा। और एरागेरा ब्रिज नहीं है, 8 लाइन वाइड ब्रिज है, यानी कि 8 लाइन का रास्ता, 8 लाइन इसके अंदर प्रोवाइड किया गया, यानी कि 4 लाइन आने के लिए, 4 लाइन जाने के लिए, यानी कि 8 लेन। इसके ऊपर लोड कितना आता होगा आप सुबह सोचिए, मतलब इसका बैरिंग कैपेसिटी सोइल का हमें कितना हार्ड मिला होगा या फिर हमने निकाला होगा, उतना डेप्थ तक हम गए होंगे ताकि हम इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किए होंगे, तो उतना पानी के अंदर में कंस्ट्रक्ट करने के लिए डीप कैसे गए, वो कौन सा सा टेक्निक यूज किया गया, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वो जो हमारा यहाँ पर टेक्निक है वो है यहाँ पर केजन, यानी कि केजन का यूज करके हम फाउंडेशन वगैरह जो भी अंडर दी वाटर है, यानी कि अंडर दी वाटर हमें कोई भी फाउंडेशन को प्लेस करना है करेक्ट पोजीशन पे कि हाँ इसका यहाँ पर इतने पोजीशन के अंदर में ये लोड ले पाएगा, तब हम यहाँ पर केजन का यूज करते हैं। तो ये समझने का ट्राई करते हैं केजन बेसिकली और क्या है, इसको और अच्छी तरह से डीप में समझते हैं। केजन बेसिकली फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, एक नाम है जिसे फ्रेंच में कैस कहते हैं। कैस का मीनिंग होता है दोस्तों बॉक्स, बॉक्स यानी कि एक तरह का समझ सकते हो डब्बा नुमा आकार रहता है, राउंड में रहता है, रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर लिखा है देख सकते हो, इट इज द बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर राउंड और रेक्टेंगुलर विच इज संक फ्रॉम द सर्फेस ऑफ आदर लैंड और वाटर टू सम डिजायर्ड डेप्थ। जिस तरह से मैंने कहा एक डिजायर्ड डेप्थ में इसको यहाँ पर संक करा जाता है और शेप इसका राउंड और रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है। अब इसके बाद आगे की ओर देखें तो इसका क्या पर्पज है, क्यों प्लेस कर रहे हैं, तो इसको प्लेस करने का जो पर्पज है प्लेस फाउंडेशन इन करंट पोजीशन अंडर दी वॉटर, हमें अंडर दी वॉटर जो फाउंडेशन है वो करंट पोजीशन पे हमें यहाँ पर प्लेस करना हो तब हम इसका यूज करते हैं। और आगे की ओर बढ़े तो इसका टाइप्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हो निकल करके आता है, 3 टाइप देखने को मिलता है, बॉक्स केजन, ओपन केजन, सिवेल केजन भी कहते हैं, और यहाँ पर न्यूमेटिक केजन। बेसिकली इनकी अगर यहाँ पर नाम के आधार पर थोड़ा नेचर समझे तो ये ओपन हमेशा टॉप से रहता है और नीचे से हमेशा एक क्लोज देखने को मिलता है, बट बेसिकली ओपन केजन की बात करें तो ये दोनों तरफ से यहाँ पर एक खुला देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ इसके कंपेरिजन बताऊं तो समझ लीजिए ग्लास, स्टील का ग्लास आपने देखा है, नीचे से यहाँ पर क्या रहता है क्लोज रहता है और ऊपर से क्या रहता है यहाँ पर एक खुला रहता है, राइट। तो उसी तरह से इसका यहाँ पर शेप बताया गया है, ऊपर से खुला और नीचे से क्लोज, बेसिकली ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड रहता है, इसको खाली अंडर द वॉटर यहाँ पर हमें प्लेस करना रहता है या फिर यहाँ पर हमें छोड़ना रहता है। तो अब इसके बाद आगे की ओर देखो तो आगे यहाँ पर आता है हमारा ओपन केजन। ओपन केजन बेसिकली इसका एग्जांपल ले तो वेल, यानी कि कुएं के आकार का जैसा रहता है, जैसे कुआं नीचे और ऊपर दोनों तरफ से खुला रहता है, हम उसके अंदर से पानी निकालते हैं, उसी तरह से रहता है। और आगे मैं समझाता हूँ डीप में इसके बारे में, ज्यादातर इसका यूज किया जाता है फाउंडेशन वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए अंडर दी वॉटर। और इसके बाद आता है दोस्तों न्यूमेटिक केजन। न्यूमेटिक केजन ऊपर से क्लोज रहता है और नीचे से खुला रहता है ताकि नीचे से हम कंस्ट्रक्शन वगैरह कर पाए। किस तरह से है तीनों का, तीनों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करें पहले ओपन केजन में, तो ओपन केजन में यहाँ पर 3 प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहले सिंगल में देखने को मिलता है, इसको मल्टीपल में भी बनाया जाता है और सिलिंड्रिकल शेप में भी इसको बनाया जाता है। तो चालू करते हैं बॉक्स केजन के साथ। बॉक्स केजन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है दोस्तों कि बॉक्स केजन इज अ स्ट्रॉन्ग वाटर टाइट वेसल, यानी कि एक तरह का पात्र है, बर्तन है। किस तरह का, वाटर टाइट, वाटर टाइट यानी कि इसके अंदर पानी इनसाइड इंटर ना कर सके, क्योंकि पानी इंटर करेगा तो क्या मतलब, वो तो स्ट्रक्चर बनाना ही फेल हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाटर टाइट वेसल एक पात्र की तरह है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि ओपन एट टॉप एंड क्लोज एट बॉटम, बेसिकली ये ऊपर से खुला हुआ और नीचे से बंद रहता है। अब आगे की ओर क्या कह रहा है दोस्तों कि इट इज मेड ऑफ टिम्बर, रेनफोर्स कॉन्क्रीट और स्टील। बेसिकली इसको बनाने के लिए टिम्बर, रेनफोर्स कॉन्क्रीट और स्टील का यूज किया जाता है। देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका शेप एंड साइज देखने को मिलता है। नीचे सैंड यहाँ पर कार्पेट रहता है, यानी कि नीचे सैंड का यहाँ पर कार्पेट बिछाया जाता है, उसके बाद इसको यहाँ पर प्लेस किया जाता है, फिर इसके अंदर सैंड वगैरह फिलिंग करने के बाद टॉप प्लग लगा देते हैं और इसके ऊपर फिर से इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी वर्क वगैरह है वो स्टार्ट किया जा सकता है। इसकी वॉल्स वगैरह की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर कॉन्क्रीट वॉल इस तरह से यूज की गई है। अब
आगे की ओर देखो तो इसमें प्लान वगैरह भी यहाँ पर दिखाया गया, देख सकते हो ये प्लान इस तरह से कुछ रहता है। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे यहाँ पर लिखा है कि द केजन इज बिल्ड ऑन लैंड। बेसिकली जिस तरह से मैंने बताया कि इसको लैंड पे यानी कि जमीन के ऊपर बना लिया जाता है, फिर इसके बाद लॉन्चड और फ्लोटेड, यानी कि इसको लॉन्चड या फिर फ्लोटेड किया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर पियर्स वगैरह, जो पियर्स साइड से जहाँ पर पियर्स वगैरह करना है, वेयर इट इज सन्क इन पोजिशन, जहाँ पर सन्क करने का पोजिशन आता है, पियर्स वगैरह बनाने का जगह है, वहाँ पर इसको सन्क करा दिया जाता है उस पोजिशन पर। आगे की ओर क्या लिखा दोस्तों, सच अ टाइप्स ऑफ केजन इज यूज वेयर बैरिंग स्ट्रैटम इज अवेलेबल एट सेलो डेप। और ये ज्यादातर तभी यूज किया जाता है जब बैरिंग स्ट्रैटम जो हमारा है, कि बैरिंग कैपेसिटी जो हमारा है वो सेलो डेप पे हमको यहाँ पर मिल जाए, एंड वेयर लोड्स आर नॉट वेरी हैवी, और जो लोड्स वगैरह हो ज्यादातर हैवी ना हो, बहुत कम हो और बहुत कम मात्रा में इसको बना, मतलब लोड वगैरह लग रहा हो, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि पानी के अंदर में लाइट हाउस वगैरह कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके फाउंडेशन पर उतना लोड नहीं आएगा, तब हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आगे की ओर क्या कह रहा है दोस्तों, कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज स्लो सो एज टू बी गिवन स्टेबिलिटी टू द केजन अगेंस्ट स्कोर। इसको यानी कि जैसे कि पानी का बहाव आते रहता है तो मिट्टी वगैरह निकलती है, किस तरह से मान के चलो यहाँ पर हमारा एक ब्रिज है, यहाँ पर मैं पहले मार्कर ले लूँ, ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक पियर है अपना, ये अपना यहाँ पर एक पियर बना करके रखा गया है, हमने पियर्स बनाया गया है, फिर इस तरह से कुछ रहता है, समझ लीजिए ये अपना हो गया ब्रिज का नीचे वाला पार्ट, यानी कि पियर्स हो गया, एम्बैकमेंट्स वगैरह जो भी है इसका, बराबर फिर इस तरह से कुछ बनाया हुआ है, बराबर पियर्स है यहाँ पर है नीचे का पोर्शन, इसको पियर्स कहते हैं ब्रिज का, बराबर दोस्तों, तो ये पियर्स हो गया। अब पियर्स में यहाँ पर नीचे की ओर देखते हो कंटिन्यूस यहाँ पर जो भी है वाटर यहाँ पर लगते रहता है, लगते रहता है, लगते रहता है, पानी लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, तो नीचे जो भी इसके यहाँ पर सोइल्स वगैरह हैं, जो भी यहाँ पर ये फुटिंग किया गया है, यहाँ पर जो भी सोइल्स वगैरह हैं तो क्या काम करती है, यहाँ से निकलने का ट्राई करती है, पानी की बहाव से कटना चालू होती है, तो ये जब इसके साथ पकड़ नहीं रहती है तो जो भी सारी मिट्टी निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे मिट्टी निकल गई तो जो भी फुटिंग हो क्या कोलेप्स होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि जब मिट्टी वगैरह निकल जाएगी तो क्या होगा, कोलेप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर वेलोसिटी कम है वहाँ पर ही इसका यूज किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो यहाँ पर डेप्थ है वो सेलो दी गई है, क्या है दोस्तों यहाँ पर देख सेलो दी गई है, जिसके कारण यहाँ पर स्कोर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, और इसके यहाँ पर देख सकते हो जो डेप्थ भी हो 6 से 8 मीटर का ही है, तो कुछ ज्यादा है नहीं, तो इसीलिए इसका यूज ज्यादातर स्कोर वाली जगह पर नहीं किया जाता जहाँ पर हाई वेलोसिटी प्रोवाइडेड हो। अब इसके बाद आगे की ओर देखें तो आगे हमारा यहाँ पर आता है ओपन केजन। ओपन केजन और वेल केजन जिस तरह से मैंने कुएं का एग्जाम्पल दिया सेम वैसा ही रहता है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर मैं मार्कर लेना चाहूंगा 2 मिनट, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा भी है दोस्तों, ओपन केजन इज अ बॉक्स टिम्बर रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्टील और मशीनरी विच इज ओपन एट द टॉप एंड द बॉटम। बेसिकली क्या लिखा है दोस्तों, ओपन एट द टॉप एंड बॉटम, दोनों साइड से खुला रहता है, बेसिकली इसको यूज करने के लिए, बनाने के लिए टिम्बर रेनफोर्स कॉन्क्रीट और स्टील मशीनरी वर्क का भी यूज किया जाता है, ब्रिक वर्क का भी इसका यूज किया जाता है। आगे क्या लिखा है दोस्तों कि इट इज यूज फॉर द बिल्डिंग एंड ब्रिजेस फाउंडेशन, बेसिकली ज्यादातर इसका यूज बिल्डिंग और ब्रिजेस फाउंडेशन को बनाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि ओपन केजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेल फाउंडेशन, जिस तरह से मैंने कहा ये कुएं के आकार की तरह है तो कुएं का आकार तरह इसको वेल फाउंडेशन का भी नाम दिया गया है, यानी कि वेल फाउंडेशन भी इसको कहते हैं ओपन केजन को। अब आगे का कह रहा है दोस्तों कि दे फ्रॉम द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन फॉर ब्रिजेस इन इंडिया, और ब्रिजेस बनाने के लिए इसको इंडिया में मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के तौर पर यूज किया जाता है, यानी कि ज्यादातर इसको यूज में लिया जाता है, यानी कि इस तरह से कुछ रहता है, इसको बना दिए, अब इसके अंदर से जो भी पानी रहेगा उसको निकाल देंगे बाहर, यानी कि डी वॉटर कर देंगे पानी निकालने के बाद, फिर इसके बाद इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं, इसको अंदर द वाटर ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको पहले से कंस्ट्रक्शन करने के बाद फ्लोटेड नहीं कराया जाता, ऐसा भी होता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आकार वगैरह देखने को मिलता है, ये इस तरह से राउंड शेप में रहता है, और इसको यहाँ पर देख सकते हो नीचे कटिंग एज बताया हुआ है, इसके बाद ऊपर कर्व, यानी कि जो भी हमारा राउंड पोर्शन स्टार्ट होता है, जिस तरह से आपने कोर देखा है, कोर कटर राउंड रहता है और नीचे उसके यहाँ पर कटिंग एजिस यानी कि शार्प एजिस प्रोवाइड के रहते हैं, ताकि हम ऊपर से प्रेस करें तो वो नीचे की ओर जाए, तो सेम वैसा ही रहता है। अब यहाँ पर कटिंग एज प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर ऊपर से जो भी यहाँ पर राउंड शेप का है, यानी कि जो भी इसका यहाँ पर देख सकते हो थिकनेस है, उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा होगा तो ये कर्व वाला पोर्शन पूरा आता है, ये कर्व वाला पोर्शन पूरा आता है, तो उसी तरह से यहाँ पर ये कर्व वाला पोर्शन यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके अंदर यहाँ पर सैंड फिलिंग की होती है, फिर उसका वेल कैप यहाँ पर प्रोवाइड रहता है, और नीचे दिया रहता है कॉन्क्रीट सेल, तो ये नीचे को कहते हैं बॉटम प्लग और ऊपर को कहते हैं टॉप प्लग, दो प्लग प्रोवाइड रहते हैं ताकि इसके अंदर की सैंड फिलिंग जो भी है निकल ना जाए, और उसके बाद ऊपर दिया रहता है यहाँ पर पियर्स, यानी कि जो भी है ऊपर का पार्ट उसके बाद पियर्स वगैरह ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे हमारा यहाँ पर आता है इसका शेप,
शेप कैसा कैसा देखने को मिलता है, तो सिंगल सर्कुलर वेल फॉर्म में रहता है, रेक्टेंगुलर वेल रहता है, ट्विन सर्कुलर यानी कि दो दो सर्कुलर साथ में आते हैं तो वो, फिर इसके बाद डम वेल, डबल डी वेल, फिर इसके बाद ट्विन हेक्सागोनल वेल, फिर इसके बाद दोस्तों आता है ट्विन ऑक्टागोनल वेल। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर देख सकते हो 7 टाइप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं शेप के आधार पर। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे हमारा आता है लास्ट और इसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेटिक केजन। न्यूमेटिक केजन बेसिकली देखे जिस तरह से हमने दोनों का देख लिया, एक ऑलरेडी बना करके संघ किया जाता है, नीचे से क्लोज्ड रहता है, अब दूसरा हमने देखा ओपन केजन यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खुला रहता है। अब इसमें इसमें ऊपर से बंद और नीचे से खुला रहता है, तो इसमें पानी कहाँ से निकालेंगे, तो पानी निकालना नहीं पड़ता इसमें दोस्त। जो पानी रहता है वो पानी को कंप्रेस्ड एयर की मदद से नीचे की ओर दबा दिया जाता है और जो सरफेस है उसको ड्राई कर दिया जाता है, जो हमारा वर्किंग चेंबर है, कुछ इस तरह से यहाँ पर इसकी इमेज की मदद से आप समझ पा रहे होंगे। तो जो यहाँ पर है इमेज देख सकते हो यहाँ पर, तो ये जो ऊपर से है ये नली आकार, इसके अंदर से कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण जो ये पानी है वो सारा इस साइड बाहर निकल जाता है, यानी कि कंप्रेस करने के बाद पानी बाहर निकल जाता है। अब बोलोगे ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है, आपने प्रैक्टिकल भी किया है। अब बोलोगे कहाँ पर, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब भी बाल्टी में पानी लेते हो और उसके बाद जो मग रहता है यानी कि जो ग्लास रहता है, लोटा रहता है, जब उसको उल्टा करके दबाते हो पानी में, तो उसके अंदर क्या क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने के बाद क्या होता है, अंदर से जो लोटा है पूरा ड्राई रहता है, लेकिन जो पानी है, पानी के अंदर में जो बाहरी सतह रहती है वो पूरी डूब जाती है। तो उसी तरह से सेम वही नियम का इस्तेमाल किया गया है, ऊपर से पूरा क्लोज और नीचे से खुला, पूरा खुला। अब इसके अंदर तो यहाँ पर कोई एयर क्रिएट होगा नहीं, तो इसके लिए इसके अंदर क्या काम करना पड़ेगा, वैक्यूम एयर जो भी हमारा यहाँ पर प्रेशराइज्ड एयर, जो भी प्रेशराइज्ड एयर है वो यहाँ पर डाला जाएगा, जिसके कारण क्या रहेगा, ये यहाँ से पूरा यहाँ से जो भी पानी है नीचे की ओर निकल जाएगा और नीचे हमें मिलेगा यहाँ पर वर्क करने के लिए चेंबर, वर्किंग चेंबर मिलेगा, एक वर्किंग करने के लिए स्पेस मिलेगा और उसको हम यहाँ पर वर्किंग करके जो भी हमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है कर सकते हैं। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा थियोरी की मदद से, सेम प्रोसीजर दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा है न्यूमेटिक केजन, अ न्यूमेटिक केजन इज अ वाटर टाइट बॉक्स और सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्लोज्ड एट द टॉप एंड द ओपन एट बॉटम रेस्टिंग ऑन द बेड्स ऑफ द वाटर बॉडी। जिस तरह से मैंने कहा है वाटर टाइट एक वाटर टाइट स्ट्रक्चर है बॉक्स टाइप का, जिसका यहाँ पर ऊपरी सतह बंद और नीचे की सतह यहाँ पर खुला रहता है, और ये कहाँ पर रेस्टिंग करता है, रेस्टिंग ऑन द बेड्स ऑफ द वाटर बॉडी। अब आगे की ओर देखे दोस्तों, तो आगे कह रहा है कि दे आर यूज्ड फॉर द अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन फॉर ब्रिजेस पियर्स एम्बटमेंट्स इन द रिवर एंड फाउंडेशन फॉर द लार्ज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ज्यादातर इसका कब यूज होता है, मल्टी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी, अंडर द वाटर कंस्ट्रक्शन करना, और ब्रिजेस हो गया, पियर्स हो गया, एम्बटमेंट्स हो गया, वहां पर हम इसका कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। आगे की ओर क्या कह रहा है दोस्तों, कि दे आर डिजाइनड टू कीप वाटर आउट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जोन एंड एक्ट एज अ सेल दैट कीप्स द इनसाइड इनसाइड ऑफ द केजन्स ड्राई फ्रॉम द वर्कर्स टू कैरी आउट वर्क सेफली। कहना क्या जाता है दोस्तों कि इसका जो डिजाइन है क्या काम करने के लिए होता है, कीप वाटर आउट, जो भी यहाँ पर वाटर आउट है कंस्ट्रक्शन जोन में से, उसको बाहर निकालने के लिए सेल में से, और हमें एक ड्राई सर्फेस प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पर वर्कर्स वगैरह अच्छी तरह से काम कर पाए सेफली से, वहाँ पर काम वगैरह करके अच्छी तरह से कोई भी चीज में कंस्ट्रक्शन वगैरह करना हो बना पाए। अब इसके बाद आगे की ओर देखे तो क्या कह रहा है कि द इनसाइड ऑफ द केजन इज कीप ड्राई बाई यूजिंग ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर टू फोर्स्ड वाटर आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। जो भी है यहाँ पर क्या है कि वाटर हम यहाँ पर क्या करते हैं, वाटर आउट कर देते हैं कंप्रेस्ड एयर की मदद से केजन को, केजन के अंदर। फिर इसके बाद आया गया है कि दिस प्रोसेस क्रिएट्स एन एयर टाइट वर्किंग चेंबर वेयर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज एक्सकेवेशन कैन बी कैरिड आउट सेफली। और इस प्रोसेस की मदद से जब हम एयर यहाँ पर अंदर इनसाइड कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं वर्किंग चेंबर के अंदर में, तो जो भी यहाँ पर वाटर क्या हो जाता है वो निकल जाता है, और कंस्ट्रक्शन जोन में जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करनी हो, एक्सकेवेशन करना हो, हम सेफली कर सकते हैं। फिर इसके बाद आया क्या कह रहा है यहाँ पर, न्यूमेटिक केजन्स आर आइडियल फॉर द चैलेंजिंग सिचुएशंस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरिड आउट वेट ग्राउंड एक्सकेवेशन इन द ओपन। बेसिकली ओपन तौर पर जो भी वेट ग्राउंड में यहाँ पर एक्सकेवेशन करना पॉसिबल ना हो, कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल ना हो, समझ सकते हो, सिचुएशन ना हो कुछ भी करने का, तब हम इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हाउ एवर दिस मैथड इज कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव वेन कंपेयर टू दी अदर टाइप्स ऑफ केजन्स। अदर टाइप्स ऑफ केजन्स के मुकाबले में टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स है, खर्चीला है, यानी कि एक्सपेंसिव है, तो ये इसके हिसाब से देखने को मिलता है अदर टाइप्स ऑफ केजन्स के कंपेयर में। अब इसके बाद आगे की ओर देखें दोस्तों, तो आगे हमारा यहाँ पर आता है इस केजन्स के अंदर, आप समझ सकते हो जब यहाँ पर ऊपर से बंद है तो जो भी एटमोस्फेरिक एयर है वो अंदर तो आ नहीं रहा है, तो जो भी अंदर जो भी इंसान काम कर रहा है, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी अच्छी तरह से, अच्छी तरह से उनके यहाँ पर शरीर वर्क नहीं कर पाएगा, तो जिसके अंदर कुछ सम डिसीज देखने को मिलता है, यानी कि प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बीमारियां देखने को मिलने लगती है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि न्यूमेटिक केजन्स सिंक
वीकनेस यानी कि जो भी न्यूमेटिक रीजन है उसके वजह से होने वाले यहाँ पर सिंकरेंस तो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखा क्या है दोस्तों कि द वर्कर्स वर्किंग अंडर द कंप्रेस्ड एयर इनसाइड द वर्किंग चेंबर सफर अ सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजीज व्हेन दे रिटर्न टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस डिजीज इज नोन एज केजन सिकनेस और केजन डिजीज। अब इसमें कौन कौन से डिजीज निकल कर आते हैं तो डिजिग्नेस है, डबल विजन है, हेडटेक है, ट्रबल्स टू स्पीक है, फिर इसके बाद पेन इन लेग है। डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, डबल विजन यानी कि दिखना यानी कि दो दो लोग दिखना, फिर इसके बाद यहाँ पर हेडटेक यानी कि सिर दर्द करना, फिर ट्रबल इन स्पीक यानी कि बोलने में दिक्कत होना, डबल डबल आवाज़ निकलना ऐसा हो सकता है यानी कि जीभ लड़खड़ाना, फिर इसके बाद लेग्स में पेन होना यानी कि पैर में दर्द निकलना, पैर उठना ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बॉडी का पूरा चेकअप कराया जाता है, मेडिकल स्टीम्स वहाँ पर उपलब्ध की जाती हैं, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी जो भी यहाँ पर रोगी रहते हैं जिस तरह से डायबिटीज के पेशेंट्स हो गए, हाई ब्लड प्रेशर वाले हो गए, जिनको अटैक का बीमारी रहता है, हार्ट अटैक रहते हैं, वो सारे पेशेंट्स को यहाँ पर रोक दिया जाता है चेकअप करने के बाद, उनको अंदर काम करने के लिए नहीं भेजा जाता है। जो तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उनको ही नीचे काम करने के लिए भेजा जाता है और उसमें टाइमिंग फिक्स रहती है, वन शिफ्ट में ही काम कराया जाता है, डबल शिफ्ट कराया नहीं जाता। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, मेडिकल टीम्स वगैरह सारी उपलब्ध वहाँ पर रहती हैं। तो कुछ इस तरह से केजन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं अंडर दी वाटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फुटिंग्स वगैरह बनाने के लिए और ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों इस तरह की टॉपिक्स भी इंटरेस्टेड रहती हैं, पेपर में पूछा जाता है। अगर आपको इसके बारे में पूछे तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो, उसके नोट्स वगैरह आपको इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगी, बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो, उसका पेज यहाँ पर आ रहा होगा, चाहो तो आप फॉलो वगैरह कर सकते हो। और इसके रिलेटेड में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट वगैरह मुझे कर सकते हो, मैं देखूंगा और इसके रिलेटेड में आपको बताने का ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।